आज से लगभग 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड के राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को चार्टर दिया था। तो इंग्लैंड के राजा से चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। उस समय इस देश में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चला करता था। इस कंपनी के अधिकारियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए सूरत में कुछ जमीन ली थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सूरत में कुछ जमीन जागीर में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खुलवा दिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोला है, व्यापार के बहाने, उद्योग के बहाने इस देश में कदम रखा है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन सारे देश को गुलाम बनाएगी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र खुला, उसका व्यापार शुरू हुआ। व्यापार बढ़ते बढ़ते सारे सूरत में फैला। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के बाजार पर कब्जा किया और सूरत के बाजार पर कब्जा करने के बाद एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सूरत पर ही कब्जा कर लिया। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के, भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले और उन पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम सूरत में किया था कब्जा करने का, व्यापार के बहाने से कब्जा करने का, बाजार के बहाने से देश पर कब्जा करने का, वही काम उसने मद्रास में किया, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में किया। धीरे धीरे सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुलते गए और जिन जिन शहरों में, जिन जिन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुले, वो सारे के सारे स्थान हिंदुस्तान के थे, हमारे थे वो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए। 150 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के बहाने साम्राज्य इस देश में बनने लगा। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति व्यापार के बहाने इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा मान लिया और घोषित भी किया कि अब सारे देश पर करीब करीब उनका कब्जा हो गया। 1757 से 1815 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश की जमकर लूट की। ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित रूप से आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत की संपत्ति की लूट करने के लिए। क्योंकि सारी दुनिया जानती है, इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश था, दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था। इस देश में संपत्ति बहुत थी, इस देश में पैसा बहुत था, इस देश में पूंजी बहुत थी। ये बात अंग्रेजों को मालूम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने वो इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र के खोलने के पीछे अंग्रेजों की मंशा यही थी कि धीरे धीरे सारे देश की संपत्ति पर कब्जा करना, और वो उन्होंने किया। तमाम जगह के छोटे छोटे राजा महाराजाओं पर अपनी दोस्ती का बहाना, अपने समझौते के बहाने से वहां कब्जा किया, उनकी संपत्ति अंग्रेजों के पास गई। तमाम दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने, जहां पर समझौते नहीं हो सकते थे, जहां पर स्थानीय व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थीं, स्थानीय लोग बहुत मजबूत थे, वहां पर अंग्रेजों ने उनको दंड देकर, उनको प्रताड़ित करके, उनको मारकर, उनको पीटकर अपनी व्यवस्था में लाने का काम किया। अपने कानून, तथाकथित कानून के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करके वहां की संपत्ति लूटने का काम किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्ष में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 1760 के आसपास तक सारे देश में व्यापारिक केंद्र खोलकर कब्जा किया और उसके बाद इस देश की एक नियमित लूट शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तो मात्र 50,000 पाउंड का संपत्ति लेकर, पूंजी लेकर इस देश में वो घुसी थी। 50,000 पाउंड की संपत्ति से इस देश में व्यापार शुरू करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1815 के बीच में
हिंदुस्तान से लगभग 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड भेजी। माने प्लासी के युद्ध से वाटरलू के बीच में, वाटरलू का जो युद्ध हुआ उस 1757 से 1815 के समय के बीच में, इस देश की 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट के बहाने। और बाद में औसतन जो हिसाब लगता है, बैठता है, वो ये है कि हर वर्ष लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान से, भारत से इंग्लैंड जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारा जो इस देश में किया वो सब खुले व्यापार की नीति के तहत, मुक्त व्यापार की नीति के तहत, मुक्त बाजार की नीति के तहत किया। इस देश को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए। अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड में तरह तरह के कानून बनाती थी और उन कानूनों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के नए नए तरीके मिलते थे। जैसे उदाहरण के लिए 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने, अंग्रेजों की संसद ने एक चार्टर ऑफ फ्री ट्रेड पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20-20 साल में चार्टर दिए जाते थे, तो ऐसे ही 20-20 साल के चार्टरों के मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में अपने लूट को, अपने साम्राज्य को पुख्ता करती थी, मजबूत करती थी। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। उस 1813 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के नए अधिकार मिल गए, और उन सारी सुविधाओं और अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को और ज्यादा लूटने में इस्तेमाल किया। तो 1757 से 1815 तक की जो लूट है उससे कई गुना ज्यादा लूट फिर 1813 के बाद इस देश में शुरू हुई, और उस लूट का नतीजा ये था कि जो देश 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था, बहुत संपत्ति वाला देश था, बहुत संपन्न देश था, बहुत समृद्ध देश था, वो देश 1890 तक आते आते एक भिखारी देश में बदल गया। 1813 में जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस चार्टर के परिणाम ये हुए कि इस देश के अच्छे वस्त्र उद्योग को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इस देश की तमाम दूसरी व्यापारिक संस्थाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रौंद दिया। इस देश के तमाम दूसरे वस्त्र उद्योग के अलावा जो दूसरे बहुत संपन्न उद्योग थे उनको भी खूब जमकर इस देश में उन्होंने तोड़ा। इस देश की पूरी व्यापारिक और औद्योगिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से तोड़ दिया, अपने हिसाब से व्यवस्थित किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, सारे देश की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी पैसे की लूट के लिए। तो 1813 से 1890 के बीच जो लूट हुई वो 1815 से 1757 के बीच की लूट से कई गुना ज्यादा लूट थी, और इसी लूट का पैसा जब इंग्लैंड पहुंचा, लंदन पहुंचा, अंग्रेजों के पास पहुंचा, तो उसी पैसे से कहा जाता है कि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति की। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर भारतवर्ष की लूट ना हुई होती, अंग्रेजों ने भारतवर्ष को ना लूटा होता, तो शायद कभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो नहीं पाती। तो अंग्रेज आए थे इस देश में लूट के लिए, अंग्रेज आए थे इस देश में संपत्ति ले जाने के लिए, और ये सही बात है कि 14वीं 15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड दुनिया में बहुत संपन्न देश नहीं माना जाता था, बहुत गरीब देश था, बहुत पैसा नहीं था, कुछ खास नहीं था उनके पास। तो वो सारी की सारी संपत्ति जो हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से इंग्लैंड गई, उसी संपत्ति ने इंग्लैंड को समृद्धशाली बनाया, उसी संपत्ति से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसी संपत्ति से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दिशा में कुछ नए कदम रखे। तो एक तरफ भारतवर्ष बर्बाद हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में वैभव बन रहा था। एक तरफ भारत गरीब हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में संपन्नता बढ़ रही थी। तो भारत के गरीब होने की और इंग्लैंड के संपन्न होने की कहानी को
अंजाम देने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। भारत को गरीब बनाने का काम, इंग्लैंड को अमीर बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। और ये सारा का सारा देश के लोगों को धोखे में रखकर मुक्त व्यापार के नाम पर इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। किसी तरह इस देश में जब लोगों को समझ में आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार के बहाने लूट रही है, इस देश को गुलाम बना रही है, और 1858 में तो अंग्रेजों की बाकायदा सरकार यहां चलने लगी थी इस देश में, 1857 तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, फिर 1858 से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बदल कर सीधे अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थापित हो गया। सब इस देश के लोगों को अंदाजा लगने लगा कि ये अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई है, इस देश को लूटने के लिए आई है। और उस लूट के खिलाफ इस देश के लोग संगठित होने लगे, उनमें चेतना आने लगी। जब देश के लोगों में चेतना आई, अंग्रेजों के खिलाफ लोग संगठित हुए, तो इस देश में एक बहुत बड़ा स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ। 1857 में उसकी शुरुआत हुई। हालांकि ये स्वाधीनता संग्राम छिटपुट तरीके से सारे देश में उसके पहले भी चलता रहा। जहां जहां लोगों की शक्ति थी, क्षमता थी, लोग लड़ते थे, और जहां संभव होता था वहां अंग्रेजों को पीट भी लेते थे, अंग्रेजों को मार भी लेते थे। लेकिन 1857 से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आवाज शुरू हो गई, और उस बगावत के बढ़ते बढ़ते कदम 1890 तक और मजबूत हुए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बाकायदा इस देश में स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, उसके विरोध में सारे देश में स्वदेशी का आंदोलन चला। और उस स्वदेशी के आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि 1911 में आकर अंग्रेजी सरकार को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जो घटना 1911 में इस देश में घटित हुई कि पहले बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद बंगाल का विभाजन वापस हुआ। इसी स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इस देश के महान नेताओं ने, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के पहले दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की श्रेणी के और दूसरे तमाम महान विभूतियां इस देश में जब लगी आंदोलन के क्षेत्र में, तो इस देश के लोग संगठित होने लगे। इसी के साथ साथ इस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पुरुषों की, महिलाओं की टोलियां भी इस देश में आजादी के लिए सक्रिय होती रहीं और समय समय पर अपने योगदान करती रही। 1947 में यह देश आजाद हुआ एक लंबी लड़ाई के बाद। 90 साल की लड़ाई 1857 से 1947 तक इस देश में लगातार लड़ी गई। उसके पहले भी लड़ाई चलती रही, लेकिन 1857 से 1947 का समय तो बहुत महत्वपूर्ण रहा इस देश के आजादी के इतिहास में। 1947 में हम आजाद हुए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य है हम सबका कि आजादी के 50 साल बीतने के बाद फिर से इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ गई। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने, उसने इस देश को 250 वर्षों तक खूब जमकर लूटा, एक अच्छे खासे संपन्न समृद्ध देश को भिखारी और गरीब देश में बदल दिया। अब 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश में आ गई हैं लूटने के लिए। सन 1991 के बाद से एक नया नारा इस देश में दिया गया है, उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का। इस उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद तो विदेशी कंपनियों के आने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 1991 से पहले, 1947 से 1991 के बीच में जितनी विदेशी कंपनियां इस देश में नहीं आई, उससे ज्यादा विदेशी कंपनियां 1991 से 1996 के बीच में आ चुकी हैं। हजारों हजार विदेशी कंपनियों के साथ समझौते हो रहे हैं। इस देश में ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजनीतिक तंत्र विदेशी कंपनियों के लिए पलक पांवड़े बिछाकर काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनता है, वित्त मंत्री बनता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए। या तो विदेश जाता है, या तो हिंदुस्तान में ही बयान देकर, भारतवर्ष में ही बयान देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहता है कि विदेशी कंपनियों का इस देश में खुला स्वागत है। इस देश को लूट की खुली छूट के लिए फिर से छोड़ दिया गया है। जो गलती 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में औरंगजेब से हुई थी कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए इस देश में जगह दी, वही गलतियां आज फिर दोहराई जा रही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनियों को
ईस्ट इंडिया कंपनियों से भी ज्यादा ताकतवर दूसरी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश में बुलाया जा रहा है। इन विदेशी कंपनियों को बुलाने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। इस देश में जो विदेशी कंपनियों के समर्थक लोग हैं, इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थक लोग हैं, वो कुछ तर्क देते हैं। उनमें से सबसे पहला तर्क है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो देश में पूंजी आएगी, पैसा आएगा, क्योंकि इस देश में पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, संपत्ति की कमी है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में उच्च तकनीकी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी, उसके साथ साथ इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे। विदेशी कंपनियां आएंगी तो हाई टेक्नोलॉजी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी, अच्छी तकनीकी आएगी तो अच्छी क्वालिटी के सामान मिलेंगे। तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा। इस देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, उसके कारण से गरीबी भी बहुत है। तो तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। और चौथा तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि विदेशी कंपनियां हमेशा उच्च तकनीकी लेके आती हैं, क्वालिटी के सामान बनाती हैं, इसलिए इस देश का निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इन चारों तर्कों को देखना चाहिए। भारत के तमाम शोध संस्थानों द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, भारत सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा समय समय पर संसद में दिए गए जवाबों के आधार पर ये बातें पता चलती हैं कि विदेशी कंपनियां या विदेशी कंपनियों को जिन तर्कों के लिए बुलाया जाता है वो उससे बहुत दूर है। अभी हाल में उदाहरण के लिए पार्लियामेंट में, संसद में एक सवाल पूछा गया कि विदेशी कंपनियों के माध्यम से पिछले 5-6 वर्षों में कितनी पूंजी आई है इस देश में। जब से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हुई हैं, विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, तब से इस देश में कितनी विदेशी पूंजी आई है, ये सवाल संसद में पूछा गया। और संसद में पूछे गए इस सवाल का जवाब जब सरकार के मंत्री द्वारा दिया गया तो भारत सरकार के मंत्री के दिए हुए जवाब के आधार पर जो आंकड़ा मिला वो ये था कि जुलाई 1991 से लेकर नवंबर 1996 तक इस देश में विदेशी कंपनियों के माध्यम से 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। लेकिन इन 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों में से वास्तव में कितने प्रस्ताव लागू हो पाए, मतलब कि जितनी पूंजी के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव पारित हुए हैं क्या वो सारी की सारी पूंजी इस देश में आ गई है, तो जवाब उसका मिलता है नहीं। हमेशा ये होता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं, स्वीकृत होते हैं, भारत सरकार जितने प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने साइन किए जाते हैं, उससे बहुत कम पूंजी हमेशा आया करती है। जो वास्तविक पूंजी इस देश में आती है वो बहुत कम होती है। तो भारत सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार जुलाई 1991 से जुलाई 1996 तक 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, लेकिन इनमें से वास्तव में हमारे देश में जो विदेशी पूंजी आई है वो सिर्फ 19,469 करोड़ रुपए की है। अर्थात स्वीकृत पूंजी निवेश से आने वाली पूंजी मात्र 20% ही है। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा ढोल पीटा जाता है विदेशी पूंजी के लिए, और वास्तव में आने वाली विदेशी पूंजी उससे बहुत कम होती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं उसकी 1/5 पूंजी ही वास्तव में इस देश में आती है। दूसरी सच्चाई एक और है कि ये जो 19,469 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी आई भी है विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों के माध्यम से, ये किस तरीके से आई है, इस पूंजी का स्वरूप क्या है, तो पता चलता है कि ये जो पूंजी है उसमें से अधिकांश पूंजी या ज्यादा पूंजी तो वित्तीय पूंजी है। और वित्तीय पूंजी वो पूंजी होती है जो शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में लगी होती है। माने शेयर बाजार और सट्टा बाजार के माध्यम से जो पूंजी आती है वो वित्तीय पूंजी कहलाती है। और वित्तीय पूंजी से कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ता है ना रोजगार पैदा होता। वित्तीय पूंजी तो शेयरों के खरीद फरोख्त में लगती है, सट्टे बाजार में, सट्टा बाजारी में लगती है। तो भारत में आई हुई जितनी विदेशी पूंजी है उसमें से चूंकि अधिकांश पूंजी
वित्तीय पूंजी है, सट्टा बाजार में लगी हुई पूंजी है, शेयर बाजार में लगी हुई पूंजी है, इसलिए उस पूंजी से इस देश का कोई भला नहीं हो पाया है पिछले 5-6 वर्षों में। न तो इस पूंजी से कोई उत्पादन बढ़ा है, न तो इस पूंजी से कोई रोजगार पैदा हुआ है। ये पूंजी हार्ट मनी के रूप में आई है, और ये जो पूंजी हार्ट मनी होती है ये कभी एक देश में है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद दूसरे देश में चली जाए। जिन विदेशी कंपनियों ने सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, जिन विदेशी वित्तीय संस्थानों ने इस देश के सट्टा बाजार और शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, अगर उनको लगे कि भारत से ज्यादा अच्छा बाजार हांगकांग का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार चीन का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार किसी दूसरे देश का है, ताइवान का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार उनको किसी और देश का लगने लगे, तो ये सारी पूंजी तुरंत जो है क्षण भर में हमारे देश के बाजार से निकलकर उन देशों के बाजार में चली जाएगी। चूंकि ये पूंजी निवेशित नहीं है उत्पादन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, इसलिए इस पूंजी का इस देश को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो विदेशी पूंजी के क्षेत्र में, विदेशी पूंजी के रूप में इतना बड़ा धोखा इस देश के साथ हो रहा। सरकार के ही आंकड़े ये सिद्ध करते हैं कि कोई विदेशी पूंजी आ नहीं रही है। इसके उल्टे जितनी विदेशी पूंजी आती है उससे कई गुना ज्यादा पूंजी देश के बाहर चली जाती है। सरकार के रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार सन 1981 से सन 1989 के बीच में भारत में कुल विदेशी पूंजी निवेश हुआ 11,453 करोड़ रुपए का, जबकि इसी अवधि में, माने सन 1981 से 1989 के बीच में, जो पूंजी भारत से बाहर चली गई वो है 13,930 करोड़ रुपए का। इसका माने है कि 11,453 करोड़ रुपए की पूंजी आई और 13,930 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में इस देश से बाहर चली गई। इसी तरह जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो विदेशी पूंजी भारत में आई 19,469 करोड़ रुपए की है, जबकि इसी दौर में लगभग 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में भारतवर्ष से बाहर चली गई। जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उन प्रस्ताव के स्वीकृति का मात्र 20% पूंजी आई, लेकिन जो 20% पूंजी आई भी, उस 20% पूंजी की वजह से हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली पूंजी उससे लगभग दोगुनी है। 19,469 करोड़ रुपए की पूंजी आई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में और 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी इस देश के बाहर चली गई। तो विदेशी पूंजी के इतने बड़े धोखे में इस देश को जो है विदेशी कंपनियों की लूट के लिए खोल दिया गया है। दुनिया भर में भी यही स्थिति है। विदेशी कंपनियां दुनिया के जिन देशों में जाती हैं वहां बहुत कम पूंजी लेकर जाती हैं, और उन देशों से जितनी ले जाने वाली पूंजी है विदेशी कंपनियों द्वारा वो कई गुना ज्यादा होती है। हमारे देश में भी विदेशी कंपनियों के कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं जो पूंजी लेकर आती हैं इस देश में और कितनी पूंजी ले जाती हैं। सामान्यतः हर विदेशी कंपनी जितनी पूंजी लेकर आती है उससे 3 गुना ज्यादा पूंजी वो पहले ही वर्ष में कमाकर इस देश से ले जाती है। वास्तव में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब इस देश में व्यापार करने के लिए आती है तो जो इनिशियल पेड अप कैपिटल होता है, शुरुआती दौर की जो पूंजी होती है, व्यापार शुरू करने के लिए जितनी पूंजी वो लगाते हैं वो कुल पूंजी का मात्र 5% ही होती है। तो इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो उनकी कुल पूंजी का 5% ही होती है। बाकी की 95% पूंजी ये विदेशी कंपनियां हमारे देश से ही कमाती हैं, उठाती हैं। जैसे वो शेयर बाजार में अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, वो शेयर बाजार के माध्यम से अपने डिबेंचर्स फ्लोट करती हैं, डिबेंचर्स उनके बाजार में बिकते हैं, शेयर्स उनके बाजार में बिकते हैं। हमारे ही देश के वित्तीय संस्थानों से कर्जा लेती हैं, हमारे ही सरकार के दूसरे विभागों से कर्ज लेती है। तो अपने देश से लाने वाली पूंजी उनकी मात्र 5% होती है और 95% पूंजी वो हमारे ही देश से लेती। तो वास्तव में बाहर से आने वाली पूंजी कुल पूंजी की तुलना में बहुत कम होती है। और जबकि ये विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाना शुरू करती हैं तो अपनी लाई हुई पूंजी का कई कई गुना मुनाफा वो पहले ही वर्ष में कमा के ले जाती हैं। कुछ कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। बंबई के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के
जो आंकड़े हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कंपनी है जो हॉलैंड की है, हमारे देश में सन 1933 में आई थी व्यापार करने के लिए। तो जब यह कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई सन 1933 में, उस समय इस कंपनी ने मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। माने इस कंपनी का हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो मात्र 24 लाख रुपए की है। जबकि आज इस कंपनी ने जो कमाई की है हमारे देश से, जो मुनाफा कमाया है, उसके आधार पर जो इस कंपनी की संपत्ति बनी है वो लगभग 563 करोड़ रुपए की है। माने मात्र 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करने वाली हिंदुस्तान लीवर कंपनी के पास आज 563 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और ये कंपनी प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए का मुनाफा नेट प्रॉफिट के रूप में कमाती है। पिछले साल 1995-1996 की जो बैलेंस शीट है इस कंपनी की, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके आधार पर इस कंपनी ने 240 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। इससे अंदाजा लग सकता कि सन 1933 से यह कंपनी काम कर रही है। इसका माने इस कंपनी को हिंदुस्तान में काम करते हुए, भारत में काम करते हुए लगभग 65 वर्ष हो गए। 65 वर्ष से यह कंपनी हमारे देश में मुनाफा कमा रही है, और 65 वर्ष से जो मुनाफा ये कमा कर ले गई होगी वो 24 लाख रुपए का कई हजार गुना बैठेगा अगर ये हिसाब निकाला जाए तो। क्योंकि इस कंपनी ने 24 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, अपने देश हॉलैंड से ये 24 लाख रुपए की पूंजी इस देश में लेकर आई थी, और आज इसने 563 करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे देश में बना ली है। तो जो संपत्ति इस देश के बाहर चली गई होगी वो कितनी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से अमरीका की एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये हमारे देश में सन 1937 से व्यापार कर रही है। और सन 1937 में जब इस कंपनी ने हमारे देश में व्यापार शुरू किया तब इसने 1,50,000 रुपए की पूंजी लगाई। कॉलगेट पामोलिव की हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल मात्र 1.5 लाख रुपए की है, 1,50,000 रुपए की है। और आज इस कंपनी के पास 187 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1996 की इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट, एक साल का शुद्ध लाभ 77 करोड़ रुपए के आसपास है। माने 1.5 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली कंपनी आज 77 करोड़ रुपए का मुनाफा एक वर्ष में इस देश से कमा रही है, और उनके पास 187 करोड़ की संपत्ति जमा हो चुकी है। इसी तरह से बाटा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, यह कंपनी सन 1931 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और 70 लाख रुपए से इस कंपनी ने व्यापार शुरू किया है। 70 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली बाटा कंपनी की आज सारे देश में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सीवा गायगी एक स्विस कंपनी है, स्विस विदेशी कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है इस देश में। वो 1947 में इस देश में व्यापार करने के लिए आई, और 1947 में व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी ने इनिशियल पेड अप कैपिटल के रूप में मात्र 48 लाख रुपए इस देश में लगाया है। और 48 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी के पास आज 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी संपत्ति है। इस कंपनी का पिछले साल का मुनाफा, 1996 का मुनाफा लगभग 23 करोड़ रुपए का है। तो 48 लाख से व्यापार शुरू किया और 23 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ये कंपनी मुनाफा कमाती है। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिका की कंपनी है, 1957 से इस देश में व्यापार कर रही है, 24 लाख रुपए की पूंजी इसने लगाई है, और करोड़ों रुपए की पूंजी ये कंपनी इस देश से बाहर ले जा चुकी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति इस कंपनी ने भी इस देश में बना रखी है। ऐसी एक कंपनी है हेक्स्ट, ये जर्मनी की कंपनी है, 1956 से इस देश में व्यापार कर रही है, और 1956 में इस कंपनी ने 2,72,00,000 रुपए का इनिशियल पेड अप कैपिटल लगाया है इस देश में, शुरुआती पूंजी लगाई है। लेकिन आज इस कंपनी के पास 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। तो लगभग 2,72,00,000 से व्यापार शुरू करने वाली हेक्स्ट कंपनी 218 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है इस समय देश में। ऐसे ही एक कंपनी है बायर, इसने भी 1957 में व्यापार शुरू किया, 3,59,00,000 रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल से इसने व्यापार शुरू किया, और आज इस कंपनी के पास 144 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। जर्मन रेमेडीज नाम की एक कंपनी है, 1949 में इस देश में उसने काम शुरू किया, 64 लाख रुपए के शुरुआती पूंजी से, इनिशियल पेड अप कैपिटल से, और आज इस कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।
एक ताजा उदाहरण है पेप्सी कोला का। ये कंपनी अमेरिका से आई है और पेप्सी कोला ने 90 के दशक में इस देश में 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू किया है। 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेप्सी कोला का एक साल का मुनाफा, पिछले साल का मुनाफा लगभग 240 करोड़ रुपए का। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि ये विदेशी कंपनियां